बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट पर विपक्ष के निलंबित 5 विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सुबह से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सभी विधायक विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठे रहे। गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगी, भाजपा सरकार हाय थू हाय थू हाय थू, जयराम सरकार हाय 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 हाय, झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। सुरक्षा कर्मियों के कड़े पहरे के बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। बता दें, सोमवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए घटनाक्रम के मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। सीएम अपनी पुलिस टीम के साथ आए और धक्के लगाने लगे। विपक्ष के सदस्यों को मालूम हुआ कि सीएम के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। बहरहाल, हंगामे पर विधायकों के निलंबन पर ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही निलंबित विधायक। अब देखना ये होगा कि सियासी ड्रामा और कितने दिन चलता है। टप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये बेरोजगारी कहाँ से आई भाजपा लाई जिंदाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगी, भाजपा सरकार हाय थू हाय थू हाय थू, बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, जयराम सरकार हाय 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 हाय, ये बेरोजगारी कहाँ से आई भाजपा लाई भाजपा लाई, गवर्नर ड्रेस नहीं पढ़ाना था तो विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया, और स्थिति तो वहीं से पैदा हुई। पूरी तरह फेल है, कोविड काल में हुआ भ्रष्टाचार है और उसकी परतें खुलेंगी आने वाले समय में। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है और कोविड काल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी आने वाले समय में परतें खुलेंगी। जब विधानसभा शुरू हुई, बजट सत्र शुरू हुआ, उसमें जो है जिस तरीके से सरकार का आचरण रहा है और जिस तरीके से विपक्ष पे हमला हुआ है, विपक्ष सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों और उपाध्यक्ष और पुलिस के सहयोग से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, और एक तरफा कार्रवाई जो है इन्होंने की है, कांग्रेस के एमएलए को बाहर किया है, जबकि सदन में कुछ घटित ही नहीं हुआ, सदन के अंदर कुछ घटित ही नहीं हुआ। 4 मिनट में आप सदन रिकॉल कर रहे हो, पूरे संसार में नहीं हुआ होगा कि 12:46 पे आप सदन बुला रहे हो और 12:50 पे एमएलए को बाहर कर रहे हो, कि कहाँ पे ये कानून है कि विदाउट पब्लिसिटी विदाउट ड्यू प्रोसीजर अपनाई आप जो है सदन को कॉल करो, क्योंकि आप मेला फाइट थी आपकी मंशा यही थी कि कांग्रेस के एमएलए को बाहर करना है, जबकि भाजपा के लोग बाहर जाने थे जिन्होंने कांग्रेस के पीसफुल प्रदर्शन में जो है आके जो घुसे थे, मुख्यमंत्री सहित जो सारे लोग घुसे थे, भगदड़ तो वहाँ मची। इस सारे प्रकरण के लिए हमने कहा कि सरकार दोषी है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी तो विपक्ष से मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, गवर्नर से भी मांगनी है तो मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, ये जिन्होंने ये सारा प्रकरण जो साजिश रची है। सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को ही जो करना है वो सरकार के पास ही है। हम तो बाहर बैठे हैं, हमें तो इस गेट पे रोक दिया गया है, आपके सामने 90 मार्शल लगाए हुए हैं कि जी ये लोग अंदर ना जाएं। हालत इतनी इन्होंने कर दी है, यहाँ तो इन्होंने एमरजेंसी लगा दी है, आपने जो है धारा 144 जैसा माहौल बढ़ा दिया, यहाँ पे कोई मूव नहीं कर सकता। ये सत्ता की धौंस है, सत्ता और लोकतंत्र का ये गला घोंट रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस एक जो है पॉलिटिकल पार्टी है और राजनीतिक तौर पे जो भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।